तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो। बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, पर्सन मूव 30 मीटर नॉर्थ एंड 20 मीटर टुअर्ड द ईस्ट। 30 मीटर नॉर्थ में जाता है, मतलब अगर ये ईस्ट है और ये अपना वेस्ट है, ठीक है, और ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है ना। तो 30 मीटर नॉर्थ में जाता है। चलो अगर एक पर्सन ओ से ये एक पर्सन है और यहाँ से ओ से बेसिकली गया है इस रास्ते, तो 30 मीटर मान लो यहाँ पर आया है, फिर वो ईस्ट में गया है, दिस इज़ द 20 मीटर ईस्ट में गया है, और उसके बाद 30 रूट नॉर्थ साउथ वेस्ट में गया। तो साउथ वेस्ट क्या होता है, इस चीज़ को पहले समझ लो। साउथ वेस्ट मतलब ये देखो, अगर ये बच्चों ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो यहाँ से जो लाइन जाती है जो 45 डिग्री पे, इसको मैं नॉर्थ ईस्ट बोलूँगा, ठीक है, और यहाँ से लाइन ऐसे जो जाती है इसको मैं 45 डिग्री पे साउथ वेस्ट बोलूँगा। तो यहाँ से 45 डिग्री, 45 डिग्री तो मतलब ये यहाँ से ऐसे कुछ, ये एंगल 45 डिग्री है, क्योंकि ये ओरिजिन से नहीं पास होगा, क्योंकि ये 20 है और ये जो है वो 30 है, ये पूरा 30 है, जो ओ ए है वो 30 है, और जो ए बी है वो 20 है, तो ये पूरा 30 है, ठीक ना। तो इसलिए ये लाइन यहाँ से, अगर ये 30 होता, ए बी 30 होता, तो ये लाइन यहीं से पास होती, ठीक है। चलो तो ये फाइनली सी पॉइंट पे है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर तुम्हें निकालना है, ये फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड शॉर्टकट तरीका है इसे। बाकी अगर नहीं कुछ समझ में आता है तो डिस्प्लेसमेंट जिंदाबाद, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो, उसे भी आप कर सकते हो, उसको करके दिखाऊंगा अभी तुम। तो जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, वो डिस्प्लेसमेंट ओ से, यहाँ से देखो इनिशियल यहाँ था, इनिशियली ये पॉइंट था, फाइनली सी पर है, तो फाइनल इनिशियल से फाइनल लाइन मार दो, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो ओ सी वेक्टर होगा। ओ सी वेक्टर मतलब नॉर्थ की साइड, वेस्ट की साइड होगा। तो ये ऑप्शन तो सही हो नहीं सकता, ये भी सही नहीं होगा, ये भी सही नहीं होगा, दैट इज सी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। सॉल्व करने की ज़रूरत है, और अगर सॉल्व भी करोगे तभी भी उतना ही आएगा। चलो एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। तो अगर मैं सॉल्व करूँ तो इस ट्राइंगल में आ जाओ, इस ट्राइंगल में एंगल 45 है, तो ये 90 है, तो ए बी 45 होगा, तो अगर ये 45 है तो ये जो ए बी 20 है, तो ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड, ए बी तो 20 मीटर ही होगा, दिस 20 मीटर, तो ये पूरा 30 था, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 10 आ जाएगा, ये वाली लेंथ 10 आ जाएगा। तो अगर ये 45 है तो ये अपोजिट एंगल ए बी 45 है, तो ये 90 है, तो ये भी 45 है, ठीक है। तो अगर ये 45 है इस वाले ट्राइंगल में, तो ये 10 है, तो ये भी तो 10 होगा, ठीक है। तो यहाँ ऐसा कुछ ट्राइंगल बना है, उस ट्राइंगल को मैं ऐसे ड्रा कर देता हूँ, तो तुम्हें बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ऐसे एक ट्राइंगल बन गया है, ये 20 है तो ये 20 है, तो ये 10 है तो ये 45 है, तो ये 45 है तो ये 45 है, ठीक है ना। तो अगर ये 45 है तो तुम देखोगे यहाँ से, तो ए बी ये 90 है, तो ये भी 45 है, तो ये भी 45 है, तो ये 10 है, तो ये 10√2 हो जाएगा, इसकी इसकी जो जो लेंथ है वो 10√2 हो जाएगा, और ये 20√2 हो जाएगा, तो कुल मिला के ये 30√2 आ जाएगा यहाँ से लेके। तो ये जो ट्राइंगल है, दिस इज द फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तुम अगर यहाँ से देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कुछ नहीं, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो डीप कलर से हम बना रहे हैं, दैट इज सी ऑप्शन यहाँ से अपना सही है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से। तो ये अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है, तो आप जो है बेसिकली सेकेंड मेथड यूज कर सकते हैं, और ये मेथड जो है वो आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो। इसको मैं बोलता हूँ वेक्टर मेथड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन, ठीक ना। कहीं भी जाता है, कितनी बार घूमता है, इसको लगा दोगे तो तुम बड़े आराम से तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। देखो सबसे पहले इस मेथड में क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को सिंपली मैं एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप के, मतलब सभी एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट लिख लेता हूँ। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो एक काम, इस मेथड को जितना भी डिस्प्लेसमेंट एग्जिस्ट करता है सभी डिस्प्लेसमेंट को एक साथ लिख लो, वेक्टर में आई जे के में सभी डिस्प्लेसमेंट को लिख लो, फिर बाद में वेक्टर आएगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस प्लस डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस प्लस डिस्प्लेसमेंट इन जेड एक्सिस, ऐसे लिख लो। तो ये क्या
किधर गया भाई? देखो पहले केस में 30 मीटर 30J कैप चला, ठीक है, उसके बाद यहाँ 20I कैप चला, ठीक है। अब अचानक से ये जो वेक्टर आया है ये 30√2 है, जो कि यहाँ से 45 डिग्री पे, तो इसको भी IJK में ब्रेक कर लो, तो इसका एक कंपोनेंट किधर आएगा? तो इसका एक कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा, जो कि आएगा 30√2 sin 45, और एक कंपोनेंट इधर आएगा जो कि होगा 30√2 cos 45। अब ये पूरा इसका डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर मैं वेक्टर में लिखूँ तो सबसे पहले 30J कैप जो कि ऊपर है प्लस 20I कैप ईस्ट में गया है, और यहाँ से अब ये जो जो 30√2 चला है इसके कंपोनेंट दोनों निगेटिव है, -30√2 cos 45 I कैप, ठीक है ना। आई कैप क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर है, नीचे डाउनवर्ड है, तो -30√2 2 sin 45 यहाँ से जे कैप। तो अगर तुम यहाँ से देखोगे तो फाइनली थोड़ा सा इसको सॉल्व करो, तो यहाँ से 30J कैप 20I कैप, ठीक ना, और -30√2 और sin 41/√2 यहाँ से I कैप, -30√2 cos 45/√2 यहाँ से जे कैप, तो √2 ने √2 इसको ख़त्म कर दिया, तो यहाँ से 30J कैप और 30J, तो ये पूरा का पूरा 30J कैप ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, तो 20I कैप इधर बचा और -30 यहाँ से 30J कैप इधर बचा, तो कुल मिला के -10I कैप। -10I कैप मतलब डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 10 होगा और डायरेक्शन इधर होगा, इधर की आई कैप मतलब ये वाली चीज़। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, सी ऑप्शन सही है।